हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है, अभी आप देखते रहिए। तो साथियों, आज एक मेरे पास मैसेज आया था और मैसेज ये था कि जो ये कैंडिडेट हैं इनका बर्थ हरियाणा में हुआ था और ये ओबीसी कैटेगरी से हैं। इसके बाद इनकी 2016 में दिल्ली में शादी हो गई और 2017 में इन्होंने दिल्ली में ओबीसी बनवा लिया सर्टिफिकेट। इसके बाद इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम कौन सा दिया था, 145/17 संस्कृत का एग्ज़ाम था और इसमें क्या हुआ साथियों, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट क्यों किया गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनको बोला गया कि आप बाहर के ओबीसी हैं और इस वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इनके जो कट ऑफ से 20 नंबर एक्स्ट्रा हैं जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी दिल्ली के अंदर। और इसमें साथियों ये सोचने वाली बात यह है, मैं अपना छोटा सा व्यू बताऊँगा और जो इन्होंने केस भी कर दिया इस वैकेंसी पर, और केस की जो अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सारी। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और अपने व्यूज़ भी साथियों ज़रूर दें। देखो ये मेरे व्यूज़ हैं अभी और आप लोग क्या सोचते हैं, हालांकि भर्ती पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल डरे नहीं कि भर्ती पे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो गलत है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब साथियों बात ये आती है कि ये दिल्ली से, मतलब ये हरियाणा से हैं, दिल्ली के अंदर इनकी शादी हो गई, शादी के बाद इन्होंने ओबीसी बनवाया, ओबीसी अब मतलब वहाँ का रेजिडेंस हो गया इनका। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी वहाँ पे शादी हो गई, ये फीमेल है, इनकी वहाँ पे शादी हो गई। शादी होने के बाद भी अब उनको क्या प्रूफ चाहिए कि ये यहाँ के मतलब ओबीसी है, ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहीं के हैं। अब बात ये आती है, चलो ओबीसी में इनको रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ के ओबीसी ये नहीं है, लेकिन अब वोट क्यों डालते हैं वहाँ पे। अब बात ये आती है कि जब वोट डलवाने का टाइम आए, जब गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट देखना हो, तो तब तो ये वहाँ के ओबीसी हो गए, अब ये वहाँ के ओबीसी नहीं है। मतलब वोट के लिए वहाँ के ओबीसी हैं, दिल्ली के ओबीसी हैं, वहाँ की इनकी आईडी है, सारी चीज़ें वो वैलिड होंगे, लेकिन जब इनको बेनिफिट चाहिए तब इनके लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, ये बाहर के हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि मतलब DSSB या दिल्ली की गवर्नमेंट ये सब क्या कर रही है साथियों। ये बहुत गलत चीज़ होती है कि मतलब कोई बंदा वहाँ पे रह रहा है, फीमेल है, और इतना गलत उनके साथ किया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने विचार ज़रूर दें इस पे, और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो आप लोग भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है। मेरे हिसाब से तो साथियों ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। अगर वोट के टाइम पर अगर वो कहें कि आप बाहर के हैं, आपको 5 साल 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा, तब यहाँ का आपका रेजिडेंस बनेगा, तब तक आप वोट भी नहीं डाल सकते, तो मैं मानता हूँ कि ये मतलब बिल्कुल जायज़ किया इन्होंने। अब ये वोट भी डालेंगे, वोट डाली भी है इन्होंने, और अब जब इनको छूट मिलनी है दिल्ली के अंदर ओबीसी वाली, तो इनको छूट नहीं दी जा रही, तो ये कैसा सिस्टम है। इसके बाद अभी केस में जो इन्होंने केस किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इन्होंने केस फाइल कर दिया है, केस नंबर वगैरह और डायरी नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो साथियों जो फाइल किया है केस 14/5/2019 को फाइल किया है और अभी इसमें जो अपडेट है वो पेंडिंग में है, जो भी आगे अपडेट मिलेगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। तो इनका नाम सोनू है और लूथरा जी को इन्होंने एडवोकेट किया है, और साथियों ये काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से, और आपके जो विचार हैं आप भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सही हैं। और हालांकि एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जो भी साथी हैं जिनके ये पोस्ट कोड है उनको कुछ गलत नहीं होने वाला उनके साथ, उनकी ज्वाइनिंग बड़े आराम से हो जाएगी। बस हम ये दुआ करते हैं कि जो ये साथी हैं इनको इनका हक मिले और ऐसा बिल्कुल किसी के साथ ना हो, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों तक ये बात बताऊँ। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।